स्टेपलेस के सीरियल फालतू में फालतू जाने अनजाने अयान की कंपनी में पहुंच गई है। दरअसल फालतू के भाई और पापा मुंबई में जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब की तलाश में आज वो अयान की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उनका सपोर्ट करने फालतू उनके साथ आई है। लेकिन वही फालतू सिद्धार्थ की आवाज़ सुन लेती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से निकल भागती है, क्योंकि फालतू नहीं चाहती कि फालतू अयान की लाइफ में फिर एक बार एंट्री ले और अयान की जिंदगी में उसके वजह से कोई नई मुसीबत आए। सो इंटरव्यू देने फालतू नहीं आई है, बापू सा और प्रताप भैया आए हैं क्योंकि उनको काम की तलाश है और वो लोग काम ढूंढ रहे हैं मुंबई में सर्वाइव करने के लिए। तो फालतू उनका यू नो सपोर्ट करने आई है उनको, पर वो इंटरव्यू नहीं देगी। सो हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग जॉब ढूंढते ढूंढते जेएम मार्ट आ गए हैं, जो अयान जी का ही मार्ट है और उनका भाई सिद्धार्थ मित्तल की मैं आवाज़ सुनती हूँ, मैं डर जाती हूँ कि अरे ये तो हम बहुत गलत जगह आ गए। और फालतू को ये डर है कि उसको बस अयान से दूर रहना है उसके उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी है अयान की लाइफ में, तो और नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस अयान से दूर रहना चाहती है। और पता है जेएम मार्ट में रहेगी तो आज नहीं तो कल मार्ट सब टकरा जाएंगे, तो इसलिए वो भाग जाती है। तो फालतू अयान के रास्ते अभी अलग हो गए हैं, पर अभी मिलेंगे कैसे वापस? ऑब्वियसली मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे आपको एपिसोड्स में देखना पड़ेगा, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमें हमेशा इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाने के लिए। मैं आपके सारे एडिट्स देखती हूं, एंड शो को इतना प्यार देने के लिए। आई होप आपको शो ऐसे ही पसंद आता रहे। अब क्या सिद्धार्थ फालतू को देख लेगा या फिर फालतू वहां से भागने में कामयाब हो जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।